बिना बिजली और बिना तेल लगातार दौड़ेगी भारतीय रेल। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश बनेगा भारत। मेड इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन से जीरो प्रदूषण, खर्च होगा कम। 2014 के बाद से जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिला वो है भारतीय रेल। चाहे बात स्टेशन की सफाई की हो, रेनोवेशन की करे या फिर सुविधाओं की, आज भारतीय रेल इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी दे रही है और वंदे भारत ने तो उसमें चार चांद लगा दिए हैं। एक तरफ भारतीय रेल टिल्टिंग ट्रेन स्लीपर कोच वाली वंदे भारत को पटरी पर लाने जा रही है, वहीं अगले साल से भारत में हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाने की तैयारी हो रही है। अगर भारतीय रेल देश की पटरियों पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाती है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंडियन रेलवे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पर काम कर रहा है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन को रोल आउट किया जा सकता है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि डिजाइनिंग का काम जोर शोर पर चल रहा है। अगले साल मई जून तक डिजाइनिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में देश में ज्यादातर ट्रेन डीजल और बिजली से चलती है। भारत में अभी 13,555 डीजल ट्रेन चल रही हैं, जिसके लिए 237 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है। अगर हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन को शुरू किया जाता है, एक तरफ डीजल पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, वहीं दूसरी तरफ ये दुनिया की गिनी चुनी ट्रेन होगी जो पूरी तरह से क्लीन एनर्जी पर चलेगी। अगस्त 2022 में जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू किया है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन की खास बात ये होगी कि इसका निर्माण और टेक्नोलॉजी दोनों स्वदेशी होगा। ये ट्रेन कोई प्रदूषण नहीं करती है। इस ट्रेन से धुआं नहीं केवल भाप और पानी निकलता है। हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों के मुकाबले बहुत कम शोर करती है। हाइड्रोजन ट्रेन की रेंज 1000 किलोमीटर की होती है। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। केवल 20 मिनट में 18 घंटे की दूरी का फ्यूल भरा जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल की एनर्जी दूसरे फ्यूल के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। एक किलो हाइड्रोजन 4.5 लीटर डीजल के बराबर होती है। इस तरह की ट्रेनों की मेंटेनेंस में भी कम खर्चा आता है। भारत से पहले केवल जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। 4 साल के लंबे ट्रायल के बाद अगस्त 2022 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई। इसे फ्रांस की रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्स्टॉम ने बनाया है, लेकिन भारत में हाइड्रोजन ट्रेन को स्वदेशी तकनीक से बनाया जाएगा। यानी ये ट्रेन पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगी। जर्मनी में 27 हाइड्रोजन ट्रेन का खर्च करीब 4,891 करोड़ रुपए का आया, यानी कि एक ट्रेन पर करीब 182 करोड़ का खर्च। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में इस ट्रेन को करीब 50 करोड़ में बना लिया जाएगा। अभी तक भारतवासियों ने बिजली या फिर डीजल से चलने वाली ट्रेनों में सफर किया है। इससे पहले कोयले से ट्रेनों का संचालन होता था, लेकिन अगले साल भारत के लोग बिना बिजली और बिना तेल वाली रेल में सफर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।